गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज, अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और आज है मेरा फर्स्ट डे कनाडा के अंदर। और बहुत सारे लोगों के मेरे को मैसेजेस आए थे कि भाई तू कहाँ पे रुका है, स्टार्टिंग में कहाँ पे रह रहा है, किसी फ्रेंड के यहाँ पे रह रहा है, रिलेटिव के यहाँ पे रह रहा है। तो आज की वीडियो गाइज उसी के ऊपर है, ठीक है। फिर आपको दिखाऊंगा मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सारा कुछ दिखाऊंगा। बट अभी फिलहाल आप लोग को मैं कहाँ पे रुका हूँ उसका एक छोटा सा टूर दे देता हूँ, और वहाँ पे आपको क्यों रुकना चाहिए उसका रीज़न भी आप लोग को मैं एंड में बताऊंगा। सो ज़्यादा देर नहीं करते गाइज, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोज़ लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो कर दिया करो, अच्छा लगता है, अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मैं कहाँ पर रुका हूँ। मैं एयरबीएनबी के अंदर हूँ अभी फिलहाल 1 वीक के लिए, ठीक है। मैं विंडसर के अंदर हूँ, यहाँ पर ओंटारियो में। सो आप लोग को अभी मैं बाहर से घर दिखाता हूँ पहले। सो ये है गाइज मेरा एयरबीएनबी का हाउस, ठीक है। मैं अभी बाहर रोड पे जाके आपको दिखाता हूँ। ये है जो घर दिख रहा है, ये है मेरा एयरबीएनबी का, ये ठीक है। बाजू में कोई रहता नहीं है वाले घर में, और ये सारे यहाँ पे रेसिडेंस है, लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अभी जस्ट सुबह 7 बज रहे, तो सनराइज भी हो रहा है, ठीक है, वो साइड पे हो रहा है। तो ये मेरा अभी फिलहाल के लिए नेबरहुड है कुछ दिनों के लिए। आपको मैं क्या करता हूँ, घर के अंदर ले जाता हूँ और घर में दिखाता हूँ यहाँ पे घर किस तरीके के होते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो इनसाइड। अब जैसे गाइज हम लोग कल यहाँ पे आए थे, तो कल शाम में हम दोनों मैं और मेरा फ्रेंड दोनों साथ में रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने बैग्स रखे थे हमारे, एंड इतनी ठंडी हवा आ रही थी कि हम लोग यहाँ पे 2 सेकंड के लिए भी खड़ नहीं पाए थे। सो फिर हम लोग वहाँ चले गए और वहाँ पे भी रह नहीं पाए थे। उसके बाद हम लोगों ने हमारे जो लैंडलॉर्ड है, मतलब जो एयरबीएनबी के जो होस्ट है, उनको कॉल किया और उन्होंने फिर हमें बताया किस तरीके से अंदर आना है। तो ये है गाइज लॉक, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को लॉक मारना होता है, एंड देन व्हेन यू प्रेस दिस ये ओपन हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो जैसे यहाँ से ओपन होता है, यहाँ पे अंदर चाबी होती है, वो चाबी यूज करके आप लोग को गेट खोलना है, ठीक है। विदाउट दिस कीज आप लोग गेट नहीं खोल सकते। तो इस तरीके का सिस्टम रहता है, इसके अंदर ही कीज रहता है। आपको पासवर्ड आपके होस्ट को कॉल करके पूछना है, या जिन जिनके भी थ्रू आप लोगों ने घर लिया है उनको, उनके थ्रू आप लोग को ये पासवर्ड उनको पूछना पड़ेगा। और ये मॉर्गन ब्रेन मेरे जो होस्ट है उनका नेम है, ये उनका नंबर है ये, ठीक है। और ये है मेरा चाबी, लेके आप डायरेक्टली यहाँ पे डाल के गेट खोल सकते हो, एंड पासवर्ड भी यहाँ पे सेट कर सकते हो गाइज। ये पासवर्ड भी यहाँ पे सेट करने का सिस्टम है। सो गाइज जैसे आप लोग घर का गेट खोलते हो, ये मेन एंट्रेंस है, तो आप लोग को यहाँ पे स्पेस देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आपके बैग्स रख सकते हो, विंटर के शूज रख सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। एंड मैं पहले दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ बिकॉज बहुत ठंडी है बाहर, ठीक है। तो ये इस तरीके का है जैसे आप लोग अंदर आते हो, एंड दिस इज अ जिम एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप कुछ एक्सरसाइज करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। सो स्टार्टिंग जैसे भी आप कोई भी कैनेडियन घर में आओगे ना गाइस, तो आपको इस तरीके का स्टार्टिंग स्पेस दिख जाता है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें रखने के लिए वगैरह होता है। और ये है हमारे घर का गेट, तो अभी हम इसे खोलते हैं। और जैसे गाइस आप लोग अंदर जाते हो, तो यहाँ पे आप लोगों को स्टार्टिंग में डाइनिंग टेबल दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे 2 बैग्स हैं, और ये वो कचरे का डब्बा है, एंड देन ये गेट है, ठीक है। और ये जो नीचे दिख रहा है आप लोग को, ये हीटर्स है। जैसे आप लोग गाइज ये साइड आते हो, तो ये कॉफ़ी मेकिंग मशीन है, और ये कॉफ़ी के मग्स है, और ये मिल्क है, शुगर है वगैरह, सारी चीज़ें ये साइड पे है। ये हमारा रूम है, आप लोग को मैं दिखाता हूँ अंदर जाके, बट पहले आप लोग को बाहर की चीज़ें दिखा देता हूँ। सो ये डाइनिंग टेबल है गाइज, एंड दिस इज सिटिंग एरिया। तो सोफ़ा है, लाइट्स है वगैरह, सारी चीज़ें हैं। और वो जो दिख रहा है वो आप लोगों को वाईफाई है ये, ठीक है। तो कल आके हम लोग आधा घंटा यहाँ पे भी काफ़ी कुछ हम लोगों ने देखा था कि पासवर्ड नहीं मिल रहा था हम लोग को वाईफाई का। और एक्चुअली पासवर्ड इसके जो होते हैं ना, सारे नीचे होते हैं यहाँ पे। सो एक बार देख लेना इसको, घुमा फिर आके आपको आइडिया लग जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी गुड सीटिंग एरिया आपको दिख रहा है जैसे। और सामने आप जाओगे तो एक टीवी है, और टीवी आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आपको देखना है तो। ये सब जो आप लोग को नीचे वेंट्स दिख रहे हैं वो सारे हीटर्स है, ठीक है। तो इस तरीके का है। और वाईफाई का पासवर्ड एक्चुअली गाइस यहाँ पे लिखा हुआ था, पर किसी ने हटा दिया है, तो इसलिए हम लोग ढूंढते रह गए, हमको समझ ही नहीं आया वाईफाई का पासवर्ड कहाँ है। तो ये है गाइस हमारा लिविंग एरिया, ठीक है। ये घर के अंदर 4 लोग रहते हैं, ठीक है। हम दोनों वहाँ पे रहते हैं, मैं और मेरा फ्रेंड। यहाँ पे एक लड़की रहती है, ईरानियन गर्ल है, और यहाँ पे एक कैनेडियन लड़का रहता है जो अभी फिलहाल दोनों नहीं है। तो जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे जाते हो, तो आप लोग को एक रूम देखने मिलेगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा। दिस इज अ हीटर, और ये हीटर कंट्रोल करने के लिए होता है, हीट कंट्रोल करने के लिए होता है ये। तो यहाँ से आप लोग हीट इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। जिस तरीके से भी आपको घर का एटमॉस्फेयर या टेम्परेचर सेट करना है आप लोग कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अभी ये डिटेल में आप आओगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा, कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एंड दीज आर लाइट्स, तो आप इसे ऊपर करोगे तो ये लाइट जल जाती है, ठीक है। एंड इसे नीचे कर दोगे तो ये हो जाता है। एंड ये दरवाज़ा बंद है, तो हम लोग इसको भी खोल नहीं सकते। आप लोगों का इस वॉशरूम भी दिखा देता हूँ। तो ये वॉशरूम है, आप जैसे गाइस वॉशरूम का स्विच ओपन करते हो, आउटडोर का जो फैन रहता है ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है, दोनों कनेक्टेड ही रहता है, ठीक है। तो
ये सब हम लोग को दिया हुआ था, ये हैंड वॉश करने के लिए है, ये ऐसी प्लांट लगाया हुआ था, टूथपेस्ट है, ईयरबड्स है, देन अंदर टॉवल है वगैरह, सारी चीज़ें है, ठीक है। ये कमोड है, इसमें कुछ देखने लायक है नहीं, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ना सर, अब आप लोगों को बॉडी वॉश, शैम्पूज़ वगैरह, ये सारा होस्ट ने प्रोवाइड किया है, हम लोगों ने कुछ भी हमारे तरफ से लिया नहीं है। और यहाँ पे गाइस थोड़ा सा टिश्यू पेपर यूज़ करना पड़ता है आप लोगों को, इंडिया जैसा नहीं रहता, पानी आएगा यहाँ पे, फ्लश फ्लश तो रहता है बट वो जो रहता है ना पानी, हम लोग पानी से क्लीन करते हैं यहाँ पे, उस तरीके का सिस्टम नहीं रहता है, थोड़ा अलग रहता है। सो गाइज ये है मेरा किचन, ये इंडक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से ऑन कर सकते हो, ये सब कल ही पता लगा है हम लोग को, कल तक पता नहीं था कैसे यूज़ करते हैं इसको। ये एग्जॉस्ट है, ठीक है, तो जो भी चीज़ें गर्म कर रहे हो अब ये सारा यहाँ पे है, पूरा बाहर चले जाता है। और लाइट भी आप अगर ऑन करना चाहो तो कर सकते हो यहाँ से। पहले इसको बंद कर देता हूँ, बहुत आवाज़ करता है ये। और दिस इज़ कम्प्लीट इंडक्शन, ठीक है। ये सब हमें कल ही पता लगा क्योंकि इंडिया में तो यूज़ नहीं करते थे सारी चीज़ें। ये है हमारा नल, ठीक है। इसको आप इस तरीके से खींच के प्लेट्स वॉश कर सकते हो, ठीक है। ये जो प्लेट्स है सारे का, ये सारे जो भी चीज़ें हैं ये सब होस्ट ने प्रोवाइड किया हुआ है, हमने कुछ भी नहीं खरीदा, ये सारा जो भी आपको दिख रहा है वो सब, ठीक है। तो वेन यू इसको पीछे जब आप करते हो गर्म पानी आता है, और जब ये सेट करते हो तो ठंडा पानी आता है, ठीक है। तो जैसे भी आप लोग को चाहिए, और पानी बहुत गर्म आता है गाइस, विदाउट एनी मतलब आप सोप यूज़ किए या कोई भी तरीके का कुछ भी यूज़ किए बिना आप लोग प्लेट्स को एकदम अच्छे से क्लीन कर सकते हो, बिकॉज उनकी उनकी गर्मी इतनी रहती है कोई भी बैक्टीरिया को मार देता है, इतना गर्म पानी आता है, और ठंडा भी उतना ही एक्सट्रीम में आता है। तो दोनों चीज़ें एक्सट्रीम एक्सट्रीम लिमिट्स में रहती है यहाँ पे। फिर जैसे आप इसको ऊपर ऊपर ओपन करते हो, यहाँ पे नहीं, ये साइड पे आप लोग को कप्स वगैरह ये सब कुछ होस्ट ने प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। ये ओवन है, और यहाँ पे गाइज आप लोगों को ये सब देखने मिल जाएगा, ऊपर बॉक्सेस है, यहाँ पे शुगर है, सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है वगैरह, सारी चीज़ें आप लोगों को कुछ भी चाहिए रहता है तो यहाँ पे वो मिल जाएगा। ओट्स भी है, ये सब होस्ट ने प्रोवाइड किया हुआ है, हमारा कुछ भी लाया हुआ नहीं है। एंड दिस इज़ हाउ द किचन लुक्स, ठीक है। ये पूरा किचन है, यहाँ पे नीचे ये आप देखोगे तो ये भी सारी चीज़ें होस्ट ने प्रोवाइड करी हुई है। यहाँ पे काफ़ी और भी चीज़ें हैं नीचे, ठीक है। और ये है हमारा फ्रिज, एक केले रखे हुए, ब्रेड है, बिकॉज और भी लोग रहते हैं, कहीं मेरा नहीं है, मैं और भी लोगों के साथ रहता हूँ तो उनका है ये सब। बाकी यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई है, आई डोंट नो किन की चीज़ें हैं, ये होस्ट ने दिया है या जो लोग रहते हैं उनका है, नो आइडिया, वो बाहर निकले के तो उनसे पूछेंगे। ये है गाइस पानी फिल्टर करने के लिए, बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे थे पानी पीते कैसे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो होता क्या है, आप लोग को डायरेक्टली नल से पानी पीना होता है, नल में आप लोग पानी चालू करो, ठंडा गर्म जो चाहिए आपको वो, उसके बाद ये वाले फिल्टर के अंदर पानी डाल दो आप लोग, ऑटोमेटिकली सुबह तक ये पूरा पानी फिल्टर हो जाता, सुबह मतलब विद इन फ्यू मिनट्स में हो जाता है ये पानी फिल्टर, और उसके बाद आप लोग पी सकते हो, या डायरेक्टली अगर आप पीना चाहते हो तो पी सकते हो, बट मैं गाइस हमेशा फिल्टर यूज़ करके पीता हूँ। ये सब जो चीज़ें रखी हुई है ये पता नहीं किन की है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ नहीं करा है बट है यहाँ पे। और यहाँ पे गाइज आप लोग को सनराइज देखने को मिल जाएगा, मेरे घर के बैक साइड पे होता है ये सनराइज, ठीक है। बाकी का यहाँ पे सब क्लीनिंग करने के लिए चीज़ें रखी हुई है, मॉपर है वगैरह, सारी चीज़ें हैं। फिर जैसे गाइज ये वाला गेट खोलते हो आप, ये आता है हमारे घर का भूतिया बंगला, ठीक है। ये कॉन्जूरिंग अगर आप लोगों ने देखी है तो आपको आइडिया लग जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को नीचे जाना है, ये बैक गेट है, ठीक है, इसको हम लोग खोलेंगे नहीं। बाकी अगर आप लोगों को लाइट वगैरह कुछ करना है तो यहाँ से ये स्विचेस यहीं पे प्रोवाइडेड रहते हैं। और जैसे आप लोग नीचे जाते हो गाइज, ये है बेसमेंट घर का। कनाडा में क्या होता है ना गाइज, जो मैंने आप लोग को फोर फ्लोर दिखाया वो फर्स्ट फ्लोर होता है, और इसको वो ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा बेसमेंट, बहुत बड़ा है और बहुत डरावना भी है गाइज, बिकॉज रात में जब आप आओगे ना तो आपको डर लगेगा, बट आपको यहाँ आना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें होस्ट की है, हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। दिस इज़ द कम्प्लीट बेसमेंट। सुबह में आप लोग को इतना अंधेरा दिख रहा है तो सोचो रात में क्या हालत होती। ये है वॉशिंग मशीन, ये है ड्रायर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नीचे प्रोवाइडेड रहती है। ये बेसमेंट में क्या रहता है ना गाइस कि आप लोग मेरी तो जैसे 5'8" है हाइट, अगर मेरे से कोई लंबा लड़का है ना तो वो यहाँ पे ऐसे खड़ नहीं सकता, उसको नीचे झुक के अंदर आना पड़ेगा, बिकॉज ये वुडन जो लॉग्स है ये सारे, ठीक है, ये सब बहुत नीचे हैं, इनकी हाइट बहुत नीचे रहती है, तो आप लोग को थोड़ा सा झुक के नीचे आना पड़ता है अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो। ये गाइज आप लोग यहाँ से ऐसे ऊपर जा सकते हो, ठीक है, बट आपको हेड का कॉन्स्टेंटली ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं भी लग सकता है आपको, बिकॉज नीचे वाली जो हाइट है वो बहुत कम है। अब ये बैक डोर है, ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये पूरा बैक डोर है गाइज, यहाँ पे पूरा एरिया बैकयार्ड कहते हैं इसे, ठीक है, कनाडा में इसको बैकयार्ड कहा जाता है। आप लोग देख सकते हो गाइज सनराइज शाम में ही हो रहा है। सो गाइस जब आप लोग एयरबीएनबी में रहते हो तो क्या है ना, आप लोग को ये सारी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, अगर आप
कहीं पे रेंट करके रहते हो तो आप लोग को गार्बेज और ये सब यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग सिस्टम रहता है गार्बेज का, वो मैं आपको आगे नेक्स्ट वाले मेरे वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगा सारी चीज़ें। बट एयरबीएनबी में स्टार्टिंग में आपको इसलिए रहना चाहिए बिकॉज जो भी सारी चीज़ें मैंने आप लोग को दिखाई, ये सब चीज़ें जब आप लोग कोई नए घर में शिफ्ट होते हो तो वो नहीं रहेगा। एंड स्टार्टिंग में आप लोग को इश्यूज़ हो सकते हैं बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको सीधा आते ही मार्केट में लेके जाना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ेगा चीज़ें खरीदने के लिए, और बहुत इश्यूज़ रहते हैं शुरू शुरू में जब आप आते हो, और भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो बेटर है आप लोग शुरू कुछ दिनों के लिए एयरबीएनबी करा लो और यहाँ पर आने के बाद ही घर देखो, ठीक है। आज के दिन में हम लोग कहाँ जाएंगे वो भी मैं आप लोग को ये वाली वीडियो के दिखाऊंगा, ठीक है। हम लोग अभी शाम में घर देखने के लिए जा रहे हैं, हम लोगों ने मैसेज भेजा है लोगों को। सो अभी 1 वीक के लिए वी आर इन दिस ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है, जो मेरे पीछे दिख रहा है बैकयार्ड है। आप लोग को बैकयार्ड अच्छे से दिखाता हूँ। ये पता नहीं क्या है गाइज, ये पूरा जंगल जंगल टाइप ही है, बट वो साइड पीछे भी घर है लोगों के, और यहाँ पे तो गाइज और भी लोग रहते हैं, हमारे बाजू में भी रहते हैं, ये साइड भी रहते हैं, बाजू में यहाँ पे कोई नहीं रहता, वो साइड पे लोग रहते हैं। दिस इज़ आर कंप्लीट बैकयार्ड, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कितना स्पेस मिलता है यहाँ पे कार पार्क करने के लिए हो या कुछ भी तरीके, आप लोग आगे से भी एंटर कर सकते हो, पीछे से भी एंटर कर सकते हो, जिस तरीके से करना है आप लोग कर सकते हो। एंड यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे सब लोग रहते हैं, और यहाँ से भी अगर आप लोग जाना चाहते हो फ्रंट गेट पे तो जा सकते हो। ये वाला जो जगह दिख रहा है आप लोग को, यहाँ से यू कैन गो, ठीक है। तो दिस इज़ द कम्प्लीट बैकयार्ड, यहाँ पे कोई भी तरीके का सामान पड़ा होता है, ठीक है, कोई भी पहले पुरानी चीज़ें होती है वो सारी यहाँ पे पड़ रखी होती है। अभी क्या करते हैं गाइज, हम लोग अंदर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बाहर आपको धूप देखने मिल रही है बट इतनी धूप है नहीं, ये धूप डायरेक्ट मेरे फेस पे आ रही है, बट ठंडी भी उतनी ही है यहाँ पे। सो इसको बंद कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसको पहले ऐसे क्लोज करना है एंड इसे टर्न कर देना है, ठीक है, इस तरीके से, और लाइट्स भी इस तरीके से ऑफ कर देना है आप लोगों को, ताकि ये तो चालू ही रहता है बिकॉज यहाँ पे आप रात में जाओगे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, बहुत डरावना है गाइस रात में, क्या मैं तो सुबह में भी नहीं आता यहाँ पे। और जैसे आप बाहर आते हो यहाँ पे आप लोग कचरा वचरा डाल सकते हो, जो भी है उस तरीके का है सिस्टम यहाँ पे, एंड यहाँ से भी लाइट चालू हो जाती है जैसे मैंने आप लोग को दिखाया। अब क्या करता हूँ मैं आप लोगों को मेरे रूम में लेके जाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे भी गाइज नंबर सिस्टम रहता है, ठीक है, जैसे आप लोग रूम खोलते हो आप लोग को यहाँ पे लॉक वॉक सिस्टम सबको प्रोवाइड रहता है बिकॉज घर में 3-4 लोग अलग अलग रहते हैं ना, तो यहाँ पे लॉक सिस्टम प्रोवाइडेड रहती है। अब जैसे गाइज आप लोग घर में आओगे तो आप लोगों को यहाँ पे हीटर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये हीटर है यहाँ पे। सो रात में इसको बंद करना पड़ता है वरना हालत ख़राब हो जाती है। ये मेरा और मेरे दोस्त का टॉवल है, ये हमारा बेड है गाइज। जब शुरू में आए थे हम लोग को लग रहा था कि पता नहीं इतने बेड में हम दोनों फिट कैसे होंगे, बट दिस इज़ अ वेरी बिग बेड गाइस, ठीक है। आप जब सोओगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ये कंफर्टेबल, बहुत ही कंफर्टेबल और स्पेशियस बेड है, ठीक है। ये सब डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है यहाँ पे। बाकी ये टेबल प्रोवाइड कर देते हैं लोग, हमारे बैग्स है ये, ठीक है, मेरे बाहर 2 बैग्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे भी बैग्स है, ठीक है, ये 2 बैग्स मेरे हैं, मेरे दोस्त के हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ रख रखी है। और ये है गाइस हमारा एक तरीके से कबर्ड कह लो या कुछ भी कह लो, बिकॉज यहाँ पे कबर्ड जिस तरीके के रहते हैं, ठीक है, ये जो पूरा मटेरियल है आपको बाहर से खरीदना पड़ता है, और यहाँ पे अंदर ये जो रहते हैं ये हैंगर वैंगर, यहाँ पे आप लोग कपड़े टांग सकते हो बिकॉज जो जैकेट आप पहनते हो वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे रखनी पड़ती है जब भी आप लोग बाहर से आते हो या कुछ भी है ऐसा। तो सो दिस इज द हाउस गाइस, ठीक है, ये स्विच रहता है यहाँ पे जैसे एंट्री करते हो आप लोग, ये इस तरीके का पूरा रूम है। तो ये था गाइज मेरा एयरबीएनबी का टूर, आप लोग को मैंने पूरा घर दिखा दिया, ठीक है। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे भाई कहाँ रुक रहा है, तो देख लो आप लोग यहाँ पे रुके हैं, मैं और मेरा फ्रेंड है, ठीक है। तो हम दोनों अभी फिलहाल स्टार्टिंग में 7 डेज के लिए यहाँ पे रुके हैं एंड वी आर फाइंडिंग हाउसेस, दूसरी जगहों पर मैसेज भेज रहे हैं लोगों को। अभी घर कैसे हम लोग ढूंढ रहे हैं क्या है वो मैं आप लोग को मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो से बताऊंगा। एक बार घर मिल जाए तो मैं आप लोग को डिटेल में बता सकता हूँ हम लोग को किस तरीके से घर मिला है और कैसे मिला है, ठीक है। तो देखो गाइज, जब आप लोग, मैं आप लोग को एयरबीएनबी इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज स्टार्टिंग में जैसे ही आप लोग यहाँ पे कनाडा में आते हो आप लोग के पास चीज़ें नहीं होती है, आप लोग को पहले तो सेट होना पड़ता है क्लाइमेट में, जेटलैग होता है, ठीक है, क्योंकि फ्लाइट में हम लोग आए थे सुबह में, 15 घंटे की फ्लाइट के बाद एकदम बॉडी टायरिंग हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आप लोग आओगे आप लोग के पास चीज़ें नहीं होती है रहने के लिए भी, आपको अगर कहीं पर किसी और के घर में रह रहे हो तो यहाँ पर क्या रहता है ना गाइज, बग्स और ये सब का बहुत इश्यूज़ रहता है। तो जहाँ पर भी आप लोग जा रहे हो पता नहीं वो घर कितना साफ़ है, अगर आप लोग किसी के भी घर में जा रहे हो ऐसे ही, अगर आपको कोई फ्रेंड है रिलेटिव है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के घर में उनको इतना कंफर्टेबल लगता नहीं, इतना मज़ा नहीं आता है, ठीक है। जो हमको हमारे दोस्तों के साथ आता है वो फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ, मतलब रिलेटिव्स के साथ उतना मज़ा नहीं आएगा, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा मज़ा आता है। सो दैट इज़ व्हाई मैं हमेशा सब लोग को कहता हूँ कि आप एयरबीएनबी में आओ स्टार्टिंग में कुछ दिनों के लिए, 7 डेज या 10 डेज के लिए एयरबीएनबी करा लो, ताकि आप लोग 7-10 दिन तक जेट लैग वेट लैग में सब में आके क्लाइमेट में भी एडजस्ट हो जाओ, सुबह रात दिन में भी आप लोग को कोई ज़्यादा, क्योंकि सुबह जब आप आते हो ना गाइस तो कन्फ्यूजन बहुत रहता है अभी यार रात हो रही है सुबह हो रही है, क्योंकि मैं भी रात में 12 बजे उठ गया था और मेरे को लग रहा था सुबह हो गई है, ठीक है, एक्चुअली मैं रात ही थी बट मेरे को ऐसा लगा सुबह बिकॉज इंडिया में अभी वो टाइम पर सुबह था। तो ये कन्फ्यूजन जब आप आते हो तो स्टार्टिंग में कुछ टाइम तक रहता है,
सो मेक श्योर कि आप लोग एयरबीएनबी कराते हो। इसका कितना हम लोग को प्राइस पड़ा है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। हम दो लोग यहाँ पे रहते हैं, और वो जो पीछे रूम दिख रहा है ये वाला, वो हम दोनों का रूम है, ठीक है। और ये पूरा रूम हम दोनों को पड़ा है 18,000 में फॉर 1 वीक, ठीक है। तो मेरा 9,000, मेरे फ्रेंड का 9,000, 1 वीक के लिए। गाइज 9,000 रुपीज़ इज़ लिटरली एकदम रीजनेबल रेट है मेरे हिसाब से। और ये जो भी चीज़ें मैंने आप लोग को दिखाई, ये सारी चीज़ें होस्ट प्रोवाइड करता है, यहाँ तक कि बर्तन से लेके, शैम्पू से लेके, ब्रश, टूथपेस्ट से लेके, ब्रश नहीं था, टूथपेस्ट से लेके, यूटेंसिल्स, खाना बनाने के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें अंदर रखी हुई है। ये सारी चीज़ें आप लोग को 1 वीक के लिए 9,000 रुपीज़ में यूज़ करने के लिए दे रहा है। सो इससे बेटर तो क्या ही हो सकता है, ठीक है। सो मेरे हिसाब से गाइज ये बेस्ट है। अगर आप लोग स्टार्टिंग में, अगर विंडसर आ रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो स्टार्टिंग में कुछ दिनों के लिए एयरबीएनबी करा लो, और यहाँ पे रहते रहते ही आप लोग आपका घर ढूंढ सकते हो। बिकॉज मैं आपको इसलिए यहाँ पे आके घर ढूंढने को बोल रहा हूँ, बिकॉज इंटरनेट पे जैसे आप लोग घर देखोगे ना गाइज, तो फोटोज तो बहुत मस्त मस्त रहते हैं, बट जब आप लोग यहाँ पे आके देखोगे ना, तो आप लोग को कुछ अलग ही दिखेगा, ठीक है। फोटो में और रियलिटी में काफ़ी फर्क होता है। सो मेक श्योर आप लोग यहाँ पे जाके घर देखे, और आप लोग खुद की आंखों से एक बार देखोगे ना, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि ओके, मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, इतना रेंट यहाँ पे रीजनेबल रहता है। और जैसे आप लोग यहाँ पे आते हो ना गाइज, आप लोग को लोग भी दिखने लग जाते हैं, तो आप लोग उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एंड देन यू कैन उनको पूछ सकते हो कि कितना रेंट चल रहा है यहाँ पे, कैसे घर में रहना है, क्या करना है। यहाँ पे आके चीज़ें आप पूछ के कर सकते हो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा और अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, रादर देन इंडिया में ही बैठे बैठे घर बुक कर लिया एंड यहाँ पे शिफ्ट हो गए। बिकॉज गाइज क्या रहता है ना, आपको वहाँ पे कोई बता देगा कि ठीक है, हम आपको ये वाला रूम देंगे, अब श्योरिटी नहीं है। आप लोग यहाँ पे आओगे तो आपको पता नहीं कौन सा रूम मिलेगा, क्या है क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे आके करें तो बेटर है। कैसा लगा आप लोग को मेरा एयरबीएनबी का रूम, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अभी गाइज थोड़ी देर में हम लोग बाहर जाएंगे, तो मैं आप लोग को बाहर लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं आज के दिन में। सो वीडियो अगर यहाँ तक देखा आप लोगों ने, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। अभी चलते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, सब्सक्राइबर्स गाइज हमें 10,000 पहुँचाना है जल्दी जल्दी। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो अभी हम लोग बाहर चलते हैं, और आप लोग को बाहर मैं दिखाता हूँ। गाइज अभी हम लोग यहाँ पे आए थे घर ढूंढने के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जाते जाते एक जगह दिखाता हूँ आप लोग यहाँ पे किस तरीके का रहता है। तो जैसे आप लोग बिल्डिंग में आते हो ना, कि अंदर आने के लिए आपको ये वाले बटन पर प्रेस करना है। जैसे प्रेस करोगे, ऑटोमेटिकली ये वाला गेट खुल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अंदर आने के बाद और एक गेट है ये साइड पे, बट वहां जाने से पहले आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ। ये इनका डायलर बॉक्स है, तो यहाँ पे अगर आप कोई भी, मतलब यहाँ के बिल्डिंग के ओनर से बात करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लोग उनका नंबर *1000, मतलब अलग अलग होता है सब लोग का, और यहाँ पे ग्रीन पे प्रेस कर देना, तो आप वो बंदे से बात कर सकते हो। तो अगर आप लोग कोई भी अपार्टमेंट कहीं पे भी विंडसर के अंदर ढूंढ रहे हो, तो इस तरीके का सिस्टम रहता है। आई डोंट नो अबाउट द कंप्लीट कनाडा, बट यहाँ पे तो इस तरीके का सिस्टम है कि यहाँ पे प्रेस करोगे आप लोग तो गेट खुल जाएगा, और जैसे अंदर आके ये आप नहीं खोल सकते, ये वही लोग खोल सकते हैं गेट जो ये बिल्डिंग में रहते हैं। तो आपको ये गेट खुलवाने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा, और यहाँ के इंचार्ज से बात करनी पड़ेगी, उसके बाद ये गेट खुलता है। अभी गाइज ये वाले बिल्डिंग में आए हुए थे, ठीक है। ये भी टोटली बुकड है। एक अंकल नीचे स्पैनिश मिले थे, सो उन्होंने क्या किया, ट्रांसलेटर चालू किया, वो स्पैनिश में बोल रहे थे, और हम लोग को इंग्लिश में वो ब्रिटन सुनाई दे रहा था। सो हम लोगों ने वैसे करके ये बिल्डिंग में पता किया कि यहाँ पे भी रूम्स अवेलेबल नहीं है। अभी आगे बस स्टॉप है यहाँ पे, पता नहीं उन्होंने बोला इस साइड टर्न मार के, तो वहाँ जाएंगे, और वहाँ पे सामने एक 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो अब देखते हैं वहाँ पे अगर वैकेंसी मिलती है तो कि नहीं। सो गाइस जो भी लोग आ रहे हो ना, यहाँ पे क्या होता है आपको दिखाता हूँ एक चीज़। देखो ये घर के यहाँ पे एक बोर्ड मारा हुआ है, ठीक है, आपको एक बोर्ड दिखाता हूँ, एक सेकेंड। इस तरीके का बोर्ड रहता है गाइज यहाँ पे, जैसे आप लोग आते हो और ये नंबर्स पे कांटेक्ट करो, और अगर ये नंबर्स पे कांटेक्ट नहीं आ रहा, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अंदर जाके भी आप लोग गेट खोल के एक बार इंक्वायरी कर सकते हो, स्टार प्रेस करके किसी से भी बात कर सकते हो वहाँ पे। ये कोई और अपार्टमेंट है गाइज, वो जो अपार्टमेंट था उसके सामने वाला ही है, और आई थिंक ये वाला भी कम्प्लीटली बुकड है, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट रेंटिंग करके। सो ये बिल्डिंग हम लोगों ने 3-4 अपार्टमेंट में पूछा है, ठीक है, 6-7 फ्लोर के है ये सारे अपार्टमेंट्स, अप्रॉक्सीमेटली 7-8 के आसपास, और यहाँ पे एक में भी जगह नहीं है। कुछ में है, बट वो लोग को लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, लैंग्वेज का बहुत इश्यू हो रहा है। कुछ स्पैनिश लोग हैं, कुछ लोगों को इंग्लिश इंग्लिश आ रही है समझ में, ऐसा नहीं इंग्लिश नहीं समझ आ रही है, दे आर एबल टू, बट अभी देखते हैं। हम लोग जहाँ जहाँ देख रहे हैं अभी घर, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस गाइस, ठीक है। यहाँ पे एकदम वेदर भी बहुत सही है, आज धूप निकली हुई है और एकदम ठंडा भी है, धूप भी निकली हुई है, सो वॉकिंग करने में मज़ा आ रहा है। तो कि सैंडविच टावर्स है, और जो मैंने अभी आपको दिखाया वो ये वाला बिल्डिंग है, पीछे दिख रहा है आप लोगों को। सो गाइज अभी यहाँ पे ये वाले अपार्टमेंट में आए थे हम लोग, और यहाँ पे भी स्पेस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बाहर लिखा हुआ है कि इट्स अवेलेबल, बट व्हेन यू आर कॉलिंग द मैनेजर्स, और ऑफिस में किसी को कॉल कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि अवेलेबल नहीं है। सो अभी फ़िलहाल कर जाते हैं, KGG पे लोगों को मैसेज भेज रहे हैं, बिकॉज काफ़ी अपार्टमेंट्स देख लिए हैं यहाँ पे, बट सारे ही अभी फ़िलहाल के लिए बुकड है या स्पेस अवेलेबल नहीं है। Thank you.
अभी यहाँ हम लोगों ने अराउंड 6-7 अपार्टमेंट्स में पूछा है, ठीक है। पहले जो पूछे थे 4-5, बोला कि अराउंड 7-8 अपार्टमेंट में पूछ रखा है। इनका क्या रहता है ना गाइस, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो और नीचे लिंक्स भी प्रोवाइडेड रहते हैं लोगों के, तो वेबसाइट में जाके भी चेक कर सकते हो आप लोग कि वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। अभी वो लोग काम कर रहे हैं, अभी घर जाके देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे सिम कार्ड हम लोगों ने लिया नहीं अभी तक। एंड वी वर जस्ट कॉलिंग बिकॉज मेरे फ्रेंड के पास एक सिम था, तो बायोमेट्रिक्स के टाइम पे करते हैं ना, वो वाला सिम मिला था उसको, तो उसी से वो कॉल कर रहे थे। बट अभी उसका भी ख़त्म हो गया है, कॉलिंग कंप्लीट हो गया है। तो नाउ विल गो होम एंड देखते घर जाके फिर किसको कॉन्टैक्ट करना है, कैसे करना है। तो अभी गाइज हम लोग के घर देखने के लिए आए थे, ठीक है। मैं अभी बेसमेंट में हूँ, ये मुझे फेसबुक मार्केट प्लेस में मिला था। आप लोगों को एक छोटा सा दिखाता हूँ मैं किस तरीके से यहाँ पे घर होते हैं, क्या होता है। सो ये बेसमेंट है गाइज, ऊपर से नीचे आना है आप लोगों को, ठीक है। और अभी हम लोग 3 बंदे हैं, ठीक है। अगर एक बंदा आ गया तो ये पूरा ये गेट ही बंद हो जाएगा यहाँ पे। मैं आप लोग को आगे बताता हूँ कितना प्राइस है, क्या है। ये वॉशिंग मशीन है, ड्रायर है, और यहाँ पे इंडक्शन एंड फ्रिज भी लगाने के बारे में बोल रहा था। तो ये पूरा का पूरा रूम फ्रिज है ऑलरेडी, नहीं फ्रिज नहीं है, तो वो बोल रहा था फ्रिज लगाने के लिए। अगर ये हो जाता है तो ये टोटली किचन एरिया हो जाएगा, ठीक है। हमारे आने से पहले दिस इज द फर्स्ट रूम, काफ़ी लार्ज देख सकते हो आप ये पूरा, ठीक है। ये वन रूम है, यहाँ पे 2 बंदे रह सकते हैं, बाहर देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इट्स इन बेसमेंट जैसे मैंने आप लोगों को कहा, और ये न्यूली रेनोवेटेड है जैसे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, पूरा अभी अभी बना है। ये आता है हमारा बाथरूम, ठीक है। ये टोटली पूरा बाथरूम है हमारा यहाँ पे। उसके बाद आता है कमोड, आता है वॉश बेसिन, आता है, ये सब अभी नया नया बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, कपड़े वपड़े लगाने के लिए हो या फिर कुछ भी तरीके का आपको सामान रखना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। तो बेसिकली ये पूरा वॉशरूम है, ठीक है, पूरा वॉशरूम है। जैसे आप लोग ये गेट क्लोज कर देते हो तो ये पूरा वॉशरूम हो जाता है, एंड दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट रूम। और सामने आप जाओगे तो सामने और एक रूम है, वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। वो यहाँ कमोड से एग्जैक्टली ये साइड पे आता है वो वाला, एंड ये दूसरा वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मतलब बैग्स वैग रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो, प्लस ये रूम पूरा फर्निश्ड है, ठीक है। और यही फ्रेंड्स है मेरे जिनके साथ मैं आया था, ये 2 बंदे। तो गाइज यहाँ पे मैं आया था, ये जो पीछे अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पे हम लोग घर देखने आए थे। आज सुबह से हम लोगों ने अराउंड 4-5 घर देखे हैं, ठीक है, ठीके? और फाइनलाइज अभी तो कुछ नहीं किया है, वी आर जस्ट सीइंग हाउसेस, जहाँ मिल रहा है वहाँ जा रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 अपार्टमेंट्स में हम लोगों ने पूछा है, अभी फिर से कल आके एक बार पूछना है कि अवेलेबल है कि नहीं है, बिकॉज आज संडे है तो काफ़ी सारे लोग ऑफिस में अभी अवेलेबल नहीं है, तो बोला गया है कि कल आओ, कल बात करेंगे। और ये अपार्टमेंट के सामने गाइस मुझे जो दिख रहा है वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। सो ये है अपार्टमेंट गाइस, और सामने ये है डेट्रॉइट रिवर, और सामने जो दिख रहा है वो है अमेरिका, डेट्रॉइट मिशिगन है वो, एंड दिस इज़ अम्बेसिडर ब्रिज, ये जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है। सो आप देख सकते हो कितना बहुत ही मस्त व्यू आ रहा है, ये पूरा अमेरिका है गाइस ये जो दिख रहा है। और अभी फिलहाल मैं कनाडा में खड़ा हुआ हूँ। अभी गाइस यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ आया था, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अभी बैठेंगे यहाँ पे, ठीक है। अमेरिका देखेंगे थोड़ी देर के लिए, जा तो नहीं सकते अभी बिकॉज वीज़ा है नहीं हमारे पास, तो कनाडा में बैठ के अमेरिका देखेंगे एंड देन वील गो बैक। और आज का वीडियो गाइस हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, फर्स्ट डे इन कनाडा। तो आज हम लोगों ने गाइस घर देखे काफ़ी सारे, जो भी मुझे कुछ समझ में आया मैं वो आप लोग को अगले घर वीडियोस में दिखाऊंगा कि घर कैसे सेलेक्ट करना है, कहाँ पे लेने हैं। एक बार मैं कोई घर फाइनलाइज़ कर देता हूँ, उसके बाद मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो एंड करते हैं गाइस, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट करके, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।